जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और आपने देखा पालक गोश्त कितनी अच्छी तरह से भुन गया था। उसमें हमने दही डाला, ये दही आपको दिख रहा होगा। दही डाल के भी हम उसको मजीद बहुत अच्छा भून लिया, पानी ड्राई होता जा रहा है और हम उसको ना लगने का इंतजार कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं कि लगे नहीं। और बहुत अच्छा सा दही डाल के भुना और अब हमने इसमें डाल दिया तकरीबन 1/4 कप दूध। दूध पालक में क्यों डाला जाता है कि पालक वाकई में, अब जो पालक आती है पता नहीं कैसी पालक है, वरना आपको पता है कि पालक की कड़वाहट खत्म करने के लिए दूध और दही का इस्तेमाल किया जाता है। उससे उसका मजा बहुत अच्छा हो जाता है। आ जाते हैं हम अपनी इसकी तरफ। धुआं दही चॉप्स या धुआं दही चिकन या मीट जो भी था उसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद पानी ड्राई कर लिया। पानी ड्राई करने के बाद 2 चम्मच तेल डाला और भून लिया। देखिए कोई तेल नहीं है मगर उबला हुआ नहीं लग रहा, उस पर एक शाइन आ गई है। शाइन आने के बाद अब मैं ले लेती हूँ कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ अच्छा सा ये हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद थोड़ी सी एक दो हरी मिर्चें डाल दी और ये दही था, दही का बनाया था मैंने रायता। इसमें है लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, आधा किलो दही और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा। दही में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद ये आप इसके ऊपर पोर कर रहे हैं। ये रायता आपने इसके ऊपर डाल दिया और आपको मैं यही बताना चाह रही थी कि वाकई जो डाइटिंग करते हैं उनके लिए कितना अच्छा है। आप बिल्कुल खाली गोश्त को बॉईल करने के बाद भून लीजिए और इस तरह से दही डालिए और ये कितनी अच्छी सी फीलिंग हो जाएगी, बड़े मजे से आप खाएंगे। यहाँ पे मैं इसी ख्याल कर रही हूँ कि बिल्कुल भी गोश्त जो है या पालक जो है वो लगे नहीं, वरना इसका मजा हो जाएगा खराब। अच्छा जी, अब मैंने ले लिया यहाँ पर एक फॉइल का टुकड़ा ले लें, कोई चीज ले लें और इसको यहाँ इसकी जगह बना देती हूँ और इसमें रख देती हूँ जलता हुआ कोयला। यहाँ पे इसका चूल्हा बंद करते हैं। ये कोयला हमने दहका लिया था, ये कोयला हमने इस फॉइल के पीस के ऊपर रख दिया। ठीक है जी, ये आ गया इस पे। और ले लेते हैं कोई ढकना या फॉइल ले लें, कुछ भी ले रहे हैं। और उस पे 1 चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ और तेल डालने के बाद इसको धुआं दे दिया है। ये धुआं दे दिया है मैंने, इसको पकड़े रहती हूँ, कोई बात नहीं, मैं फारिग हूँ। अच्छा जी, आपने इसका चारकोल का जबरदस्त सा स्मोक फ्लेवर दे दिया और बस कोयला हटा दीजिए और दिल अगर आपका चाहता है तो वो तेल जो कोयले वाला स्मोक ऑयल बन जाता है। स्मोक ऑयल आप हल्का सा ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं कोयला हटाने के बाद, वरना ये है कि नहीं डालना चाहते बिल्कुल मत डालिए, बहुत ही अच्छा स्मोक वाला फ्लेवर आ जाएगा। आप ये देखें कितने मजे का है। इसी तरह से गोश्त बना लीजिए, चिकन बना लीजिए, बिलीव मी आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए साग गोश्त, साग गोश्त के लिए बहुत अच्छा सा साग भुन चुका है। कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत है। इसका बिल्कुल पानी ड्राई हो गया तो हमने दही डाला। दही डाल के हमने इसको भुना भुना जब तक के दही का पानी खत्म हो गया, फिर हमने इसमें 1/4 कप दूध डाल दिया और बहुत अच्छा, जब से भून रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन्स अब इसमें हम डाल देते हैं। हरा धनिया हरी मिर्चें बिल्कुल डाल दिया क्योंकि उसकी खुशबू भी पकने में आएगी। थोड़ा सा ग्रीन बचा लिया जो हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। बहुत अच्छी सी गरम गरम तंदूर की रोटियां मंगाइए और उसके साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। ठीक है ना, अब आप देखें कितना अच्छा सही फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है और बहुत ही मजे का होगा। पूरा धुआं भर चुका है इसके अंदर और इसको बस अब हटा देते हैं। बहुत ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो आपने दे दिया वो बहुत है, बहुत है। यहाँ इसको हटाइए और यही मैं बात कह रही थी, दिल चाहता है तो आप बिल्कुल तेल डाल सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल में मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं डालूं, एक्स्ट्रा क्यों डालें। ठीक है जी, बस जरा सा ग्रीन अगर कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने इसमें ऐड कर दिया, लेकिन कहीं दही कहीं गोश्त कहीं हरा जो भी पन आ रहा था बस इसके साथ आप इसको पहुंचा दीजिए। बहुत ही मजे का आपको लगेगा, बड़ा सॉसी होगा और बहुत डिफरेंट आपको लगेगा। ठीक है जी, सारी चीजों के बाद अब यही बात है कि जब हम इतना पकाते हैं और इतनी कुकिंग करते हैं तो हमारे कपड़ों पे छींटे भी आ रही होती हैं, तो आप एरियल का इस्तेमाल कीजिए जो एक धुलाई में आपके सारे सख्त से सख्त जिद्दी कड़े दाग मिटा देते हैं। जी कॉलर हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, शेख उमर से कर रहा हूँ जी। जी बोलिए। बात पहला नंबर पे तो आपको बेस्ट चैनल मिलने का जो है ना वो आपको बहुत गूगल का बेस्ट चैनल मिला है ना अवार्ड आपको, उसकी मुबारकबाद। और दूसरे नंबर पे ईद मुबारक जी, बहुत हमारी सारी फैमिली की तरफ से बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और दूसरे नंबर पे ये ना मैंने पहले एक दफा आपसे अर्ज किया था कि जो ये मेरा बेटा और हमारे मेरी जो मोहतरमा है आपकी काफी रेसिपी जो है ना ये ट्राई करती रहती है और बहुत लुत्फ अंदोज होते हैं हम,
और अच्छा। ये बेटा जो ये छुआरवा बहुत, एक दफा मैंने पहले भी आपको कहा था ये इसको ये जो रेसिपी है ना बताए, कौन सी रेसिपी बताऊं? पिज्जा भी कह रहा है, जरा ऐसे भी बात कर रहे जी, बताइए बात करा दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम जी, बेटा बोलिए। आंटी ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा, खैर मुबारक गुजर गई, अब बताइए। और आंटी मुझे पिज्जा बनाना सिखा दे। ठीक है बेटा, मैं जरूर सिखाऊंगी, बहुत दफा मैंने पिज्जा बनाए हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, पिज्जा शवरमा आपकी जो रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह हम जरूर पूरी कर देंगे। थैंक यू बेटा, खुश रहो। अच्छा जी, आपने देख लिया क्या जबरदस्त सा ये गोश्त भुन चुका है, बस उतारने का टाइम है, ब्रेक का टाइम भी है, तो इन सब चीजों से फारिग होते हैं, जल्दी से एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेके आप भी आ जाइए।